लेकिन परदेशी बाबू, देवी जी आपको सब्ज छाती की तस्वीर ऐसे नहीं मिलेगी। फिर कैसे मिलेगी देवी जी? इसके लिए हमारे पिताजी के 3 प्रश्न हैं। अगर इनके उत्तर दे दिए तो तुम्हें मंजिल मिलेगी, अगर नहीं दे पाए तो मौत की सजा मिलेगी, समझे? हे भैया, क्या बात है? हमें तो दिल लागत है खसकाओ। कहाँ जाओगे? अगर न दे पाए तो मौत के सजा। कहाँ जाओगे? हम अपने घर है जाब। अगर यहाँ से जाने की जरूरत की ना तो दोनों टांगे कटवा कर इसी सीमा पे टंगवा दो, समझे? कहाँ से आए के हम फंसे हैं? मौत तो तुम्हारी दोनों तरफ है। देवी जी, यानी आपके पिताजी के 3 प्रश्न का मुझे उत्तर देना होगा। हाँ, अगर दे दिए तो मंजिल मिलेगी, अगर नहीं दे पाए तो सर कटवा कर इसी सीमा पे टंगवा दूंगी। देवी जी, आप सवाल करें, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तो मौत दोनों तरफ से है। ठीक है, तो सुनिए। बताइए। तो सुनिए, बताइए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? बतलाइए किस चीज का होता है? ऐसे रू क्या हो? इस सवाल को जानते हो? एक आध हम जानते हैं यार। जानते हो तो बतलाइए। अब जानते हो? एक आध हम जानते हैं तो बतलाइए, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। संसार में सबसे मीठा फल? हाँ, गुलाने का नहीं। अगर मीठा ना हो तो मैं कीड़वा काहे पर है? दूर हटो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अगर आपको आता हो तो बतलाइए। ए भैया, क्या बात है? बता दे यार, गुड़हिया जलेबी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप बतलाइए। देवी जी, इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल किस चीज का होता है? किस चीज का होता है? देवी जी, सबसे ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। वाह, सब पास बेटा। अपने कहा है? तुम क्यों बोल रहे हो? अपने कहा है? तो ठीक है, हमारे पिताजी का दूसरा प्रश्न है। ठीक है, सवाल करने में कोशिश करूंगा। तो सुनिए, ये बतलाइए कि नारी जात संसार में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर पाती है? बतलाइए। शेरू, सवाल को जानते हो? एक तो हम जानते हैं यार। बतला दो, मंजिल भी आसान हो जाएगी। आप हाँ। पूछना चाहती हो कि संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती है? हरवाही नहीं जोत सकत। गलत कह रहे हो। क्यों? ये सरासल गलत है। का है? तुम दूर हटो। साइकिल नहीं चला पाओ? तुम्हें कुछ नहीं आता है, बीच में मत बोलो। आपको आता हो तो बतलाइए। देवी जी, हाँ, संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती है नारी जात? तो चाहे तो पल भर में काली का रूप बना ले, और चाहे तो दुर्गा भी बन सकती है। क्या नहीं? लेकिन नारी जात सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकती। देवी जी, वो कौन सा काम है? बगैर मर्द के सहारे बच्चे नहीं पैदा कर सकते। कैसे कह दी हो? कैसे कह दी हो? परसों हमारे गांव में एक मेहरारू से कंप्यूटर से भवा। वाह वाह परदेशी बाबू, आज आपने तो कमाल कर दिया। आज मोहिनी के दिल को जीत लिया। आज मैं बहुत खुश हूं। लेकिन हमारा तीसरा प्रश्न है। आप सवाल करें देवी जी, भरकर प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सुनिए, ये बतलाइए कि मृत लोक का इंसान नाग लोक में हमेशा हमेशा किस चीज के लिए भटकता है? बतलाइए किस चीज के लिए भटकता है? शेरू, देखो, 2 सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूँ, और इस सवाल का जवाब मैं नहीं जानता हूँ। अगर जानते हो शेरू बतलाइए। एक आध हम पासो पढ़ा रहा है यार। क्या? एक आध एक किताब ही पढ़ा रहा है। संसार में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? किस चीज के लिए भटकता? संसार में इंसान मेहरारू के लिए भटकता। नहीं, तुम्हारा कोई भी उत्तर सही नहीं है। बता यार, बतलाइए। आखिरी जाला है, बता दे भाई, नहीं तो मौत है। हाँ। देवी जी, यानी इंसान किस चीज के लिए भटकता है? किस चीज के लिए भटकता है? इंसान हिस्सों हबीस अपने तमन्नाओं के लिए, कि जैसे कि मैं आपकी बड़ी बहन समुज्जादी की तस्वीर के लिए
भटक रहा हूं। वाह वाह परदेसी बाबू, तय के बीती हमारे हाथे लगा दियो। हमें ना लगाई है, वो शाद है। क्या लगाई बात तोहरा, तोहरे हाथ लगाओ यार, हमें हाथों नहीं लगाओ यार। तुमने किया क्या है? हम इनका हमें सिखावा है तो ये जवाब दे है। अच्छा चेला है ये? हम आज केला है। तेरे जरूर चेला है। जाओ। वाह परदेसी बाबू, आज आज आपने मुझे इतनी खुशी दे दी कि आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। काश काश मेरे पिताजी भी यहाँ होते तो आज वो भी खुशी से झूम उठते, कहते कि वाह मोहिनी वाह, आज तो कमाल हो गया। क्योंकि एक मृतलोक का इंसान नागलोक में आकर हमारे प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से हल कर दिया। वह परदेसी बाबू, देवी जी आप रास्ता बतलाए। हाँ क्यों नहीं, रास्ता रास्ता बता हम ओलियाई। दूर से बात करना, नजदीक से नहीं। तो सुनिए, बतलाइए देवी जी, यहाँ से आपको सात समंदर उस पार जाना होगा। उस पार एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में हमारी बड़ी बहन समंदर जादी शाम और सुबह पूजा करने आती है। उसी मंदिर में आप चुपके से बैठ जाना और हमारी बड़ी बहन समंदर जादी की तस्वीर को खींच ले, ठीक है? ये ठीक है देवी जी। ये तुम्हारे बहन के लिए है, हम तो तुम्हारे लिए भाई। क्या फोटो? फोटो मैं फोटो किसी को देती नहीं हूँ। हम हो गए नहीं, लेकिन देवी जी एक चीज ये बताइए। बताइए, आप सात समंदर की बात कर रहे हैं, हम तुच्छ इंसान एक तालाब भी पार नहीं कर पाते तो सात समंदर कैसे पार करेंगे? परदेसी बाबू आप घबराइए नहीं, इसके लिए रास्ता मैं बताती हूँ। क्योंकि तुमने कोई मामूली इंसान सवाल हल नहीं किए हो, ये बहुत बड़े सवाल हैं, ये हमारे पिताजी के सवाल हैं। क्यों नहीं देवी जी, आप सात समंदर उस पार जाने की बात कर रहे हो, ये लो अंगूठी। लो नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। हम कह रहे हो नहीं, तुम्हें ले ले भाई। लीजिए इस अंगूठी को अपने जुदा मत करना, क्योंकि ये आपको सात समंदर उस पार कराएगी, ठीक है? ठीक है देवी जी। और ये लो बांसुरी। लाओ। नहीं दूंगी। अरे कुछ हम हो गए दर्जियों निशान। कुछ नहीं दूंगी तुम्हें। ठीक है। ये लो बांसुरी, जब कोई मुसीबत पड़े तो इसे बजाना, मैं आकर आपकी हर मुश्किल को आसान करूंगी। ठीक है देवी जी। लेकिन परदेसी बाबू इसमें एक खूबी है। कौन सी खूबी है देवी? इसमें ये खूबी है, इसे आप सीधा बजाओगे तो मैं आ जाऊंगी, अगर इसे आप उल्टा बजाओगे तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन हम तो उल्टा ही बजाई थे। क्या ये बांसुरी? ठीक है, लेकिन हमारे भैया उल्टा सीधा दोनों बजाए लिए। कब बजाया है? हम मेला में पहले खरीदा था, तो रोज बजाओ थे पी 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 पी। परदेसी बाबू देवी जी, अब देर किस बात की, आप मुझे रुख्सत कीजिए, क्योंकि अगर मेरे पिताजी आप लोगों के साथ में देख लिए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैं मारी जाऊंगी। अब मुझे यहाँ से रुख्सत कीजिए, अब बांसुरी बजाइए। ए भैया, ए भैया, क्या बात है? हम अपने घर ही ना जाओ भाई। फिर कहाँ जाओगे? हम यही बिटिवा के घर ही जाओ। मेरे घर जाओगे? हम तुम्हारे घर ही चल भाई। क्या करने जाओगे? हम बहुत टहलुआ जवान हैं। क्या कर लेते हो? हम तुम्हारे चूल्हा में लकड़ी लगाओ। क्या? तुम्हार चूल्हा बर्तन मांजब, तुम्हार बिस्तर लगाओ, वही पर हम सोए जा। तो तुम्हारी जरूरत क्या है फिर? इसके लिए तो मेरी दासियां ही काफी है, मैं तुम्हें नहीं जाऊंगी। हम कह ले चलो, पता नहीं क्या होगा, जब से हम तुमका देखा हमका कुछ नहीं लागे। तुम वहाँ जाओगे तो मेरे साथ कौन जाएगा? वहाँ पर चक्कर छोड़ो यार, हमका जाते भाई, हमका ले चलो। ठीक है मैं तुम्हें ले तो चलती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अपनी जान निकाल कर हथेली पे रख लो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे चारों ओर मौत ही मर रही होगी।
अब हमारे जान हाइन कहाँ है, हमारा जान तुम्हारे नाम, चलो ले चलो। पति से बाबू आप बसली पे जाइए, देवी जी ये माने कि नहीं, ये जाकर ही रहेंगे, हम बिना चाहे मेरे पीछे ही लग कर आए, हम बिना दर देखे मानब ना, कहाँ तुम रहा था वका देख के उबाए, इतना परेशान हो जा मैं सोती हूँ, चलो ठीक है चलिए, इतना परेशान तो कोई नहीं हुआ। की खेतारी की नरवा की खोलवा की लग गए, हमारा आँखी निकल आई, फिर चलोगे? नहीं अब न जाओ, एक दही जाके अघाए गए, क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं अब न जाओ, कान पकड़े, नहीं जाओगे? नहीं कभी नाम तो नहीं लोगे जाने को जिंदगी में? नहीं ठीक है,